भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ होने लगी है और सभी प्रत्याशियों को एडीएम कार्यालय से आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर अंधेरियां बच चुकी है और शंखनाद हो चुका है। भागलपुर नगर निगम के पार्षद पद के लिए 212, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 और मेयर के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अल फारूक ने नाम वापस ले लिया था। सभी पदों के प्रत्याशी अब गर्म जोशी के साथ अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रतीक चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मेयर पद के लिए मुकाबले में दिख रहे तीन प्रमुख चेहरों में निवर्तमान मेयर सीमा शाह को जहां चरखा छाप आवंटित किया गया है, वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी को कबूतर छाप मिला है, जबकि मेयर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल को टमटम चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं नगर सरकार के उप महापौर पद के मुख्य मुकाबले में शामिल संतोष कुमार को पानी का जहाज, शिक्षा विद्या उप महापौर पद के प्रत्याशी सलाउद्दीन हसन को चुनाव चिन्ह के रूप में आम, जबकि सोमनाथ भारती को घड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। सभी प्रत्याशी अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में कौन प्रत्याशी कितने वोटरों को लुभाने में सफल होते हैं और किसके सर नगर निगम का ताज सुशोभित होता है। यह तो 20 अक्टूबर को मतदान और 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं इस पूरे मामले पर निर्वाचन पदाधिकारी सह भागलपुर एडीएम शिव कुमार सैब ने बताया कि नगर निगम के तीन पदों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह की एक कॉपी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें नाम और नमूना दोनों मौजूद रहेगा, जिससे वो अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सके। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। तारीख को तीनों तरह के पदों मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद और पार्षद पद के लिए जितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए बच गए थे, उन सबों के बीच में प्रतीक का आवंटन, प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया गया और उसकी एक कॉपी हम लोग सभी को हस्तगत करा रहे हैं कि प्रतीक का नमूना क्या होगा, न सिर्फ नाम बल्कि उसका नमूना क्या होगा। हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअली ताकि वो प्रचार सर, और किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? नॉमिनेशन का ये अंतिम चरण है, तो नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन से लेकर के प्रत्येक चिन्हावंटन का यह जो एक चरण है वो आज अंत होने वाला है। इससे प्रतीक चिन्ह देकर के लोग अब चुनाव प्रचार में लगेंगे, क्योंकि जब उनको प्रतीक चिन्ह मिल जाता है तो वो अपने मतदाताओं को समझाने में उनको आसानी होती है, वह प्रतीक चिन्ह आज मिल गया और चुनाव प्रचार में लगेंगे। इसके बाद उनको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं मित्र सभा करते हैं, कहीं वो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, उस सब के लिए हमारा रहेगा। जो भी उसमें अप्लाई करेंगे हम लोग उनको यहाँ से परमिशन देंगे। ईवीएम की तैयारी, अब हम लोग मतदान ये मतपत्र छपाने की प्रक्रिया जो है, हमारा सिंबल फाइनल हुआ तो यहाँ प्रेस में हम लोग इसको भेजते हैं और उसके छपने के बाद ईवीएम की तैयारी प्रारंभ होगी, जो कम से कम 4-5 दिन लेती है। तो जो अगला 16-17 अक्टूबर से पहले हमारी ईवीएम की पूरी तैयारी हो जाए, उसमें कैंडिडेट सेट से लेकर के बैलेट की सेटिंग सब हो जाए, यह काम उसके बाद दशहरा के बाद उस काम